मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह की ये तस्वीर बता रही है कि कुर्सी बचाने के लिए आरसीपी अपने कंधों पर बीजेपी की दरी बोरी उठाते घूम रहे हैं। आरसीपी सिंह किसके साथ हैं? जेडीयू के बागी हैं या बीजेपी के साथी? इस सवाल में ही जवाब, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए आरसीपी सिंह दो नाव की सवारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार से सियासत का क ख ग सीखने वाले जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी में सियासी गणित पर मंथन कर रहे हैं। नीतीश कुमार से यारी कर सियासत के शिखर पर पहुंचने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार से ही गद्दारी कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने विश्वासघात का छुरा नीतीश कुमार की पीठ पर नहीं सीधे सीने पर मारा। इसका सबूत आरसीपी सिंह का ये बयान है। नहीं, जैसे चिराग बीजेपी हनुमान का ही कहे जाते थे, उसी तरह आप भी नीतीश का हनुमान। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। जी रामचंद्र जी, तो नीतीश इसको सुधार लीजिए। मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र। यकीनन आरसीपी सिंह कभी हनुमान नहीं बन सकते। हनुमान ने तो अपने राम के लिए लंका में आग लगा दी थी, लेकिन आरसीपी सिंह तो अपने राम को ही लूट कर निकल गए। ऐसे में जनता कह रही है कि आरसीपी सिंह हनुमान कहलाने के लायक ही नहीं है। हालांकि हनुमान वफादारी का नाम है और आरसीपी सिंह सियासत में गद्दारी का नाम है। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। आरसीपी सिंह हाथों में बीजेपी का झंडा उठाए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी आरसीपी को अपना मानने को तैयार ही नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी साफ कह रहे हैं, आरसीपी बीजेपी में नहीं है। बस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में उन्हें माला पहना दी, माथे पर तिलक लगा दिया। जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पावर की परिभाषा पढ़ाई, जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सत्ता की कुर्सी पर बैठना सिखाया, जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सियासी कखरा सिखाया, वो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से ही सियासी खेल खेलने लगे, नीतीश कुमार को आंख दिखाने लगे। मंत्री पद की हवा में उड़ने वाले आरसीपी सिंह को भी जरा समझ लीजिए। इसके लिए आपको 1996 के दौर में लिए चलते हैं, जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव हुआ करते थे और नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की नज़र आरसीपी सिंह पर पड़ी और आरसीपी सिंह की किस्मत चमक गई। इसके बाद नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बना लिया। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया और अपना प्रधान सचिव बना दिया। बिहार की सियासत में आरसीपी सिंह का कद बढ़ता चला गया। आरसीपी सिंह बिहार में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाने लगे और इस विश्वास के चलते ही नीतीश कुमार ने आरसीपी के हाथों में जेडीयू की कमान सौंप दी। लेकिन आरसीपी सिंह ने नीतीश के सीने पर ही तीर मार दिया। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र। जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को
फर्श से अर्श तक पहुंचाया, वही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से नजरें टेढ़ी करने लगे। बीजेपी के गले में हाथ डालकर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं सियासत अपने मुनाफे से कभी मुरव्वत नहीं करती है। जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान को इस्तेमाल कर सियासी विधवा बना दिया, अगला नंबर आरसीपी सिंह का आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाबू।